जीआरटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, और आज 21 से स्टार्ट करेंगे। निम्न में से लिंक्डइन किसके लिए किससे इस्तेमाल करता है, किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, उस क्वेश्चन में पूछने का तरीका ये था कि इसमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है। है, ये भी सोशल साइट ही एक टाइप का, लेकिन ये जॉब प्रोफेशन के लिए है ना। चलिए कहा है, निर्देशों का वास्तविक निष्पादन निम्न में से किसमें होता है? द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन। अब जाहिर सी बात है कि इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है तो सीपीयू से बात होगी, और सीपीयू से बात होगी तो दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, एएलयू और सीयू। दो ऑप्शन तो ऐसे निकल जाएंगे, मेमोरी और मैनुअल प्रिंटर, ये होगा ही नहीं। अब बचा दो चीज, एएलयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब दोनों में से कौन होगा बताइए? ठीक ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी, एएलयू होगा, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर तो बता ही सकते हैं आप लोग। इनमें इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज बेस्ड फॉर इनको क्या है, इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया के लिए बेस्ट वेबसाइट कौन सी है? गूगल, आस्क, विकिपीडिया या याहू? याहू। कितने लोग जा रहे हैं याहू से? बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग सी से जाएंगे, तो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन सी, विकिपीडिया, क्योंकि गूगल और याहू दोनों सर्च इंजन है। इंस्टाग्राम पर कितने सेकंड की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं? हाँ, 1 मिनट भी आता है, लेकिन 60 सेकंड नहीं होता है। 1 मिनट का हो जाता है, लेकिन 60 सेकंड का नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे, क्या होगा राइट आंसर? 60 सेकंड, 60। डिलीट किया गया मेल कहाँ जाता है? ट्रैश। ठीक है, फुटनोट का प्रयोग कहाँ करते हैं? अरे यार, एंड ऑफ द पेज, ये बता दीजिए। लिनक्स के क्रिएटर कौन है? इसमें Who among the following is the creator of Linux? Linux क्या है? क्या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके जो क्रिएटर है वो कौन है? कोई नहीं। कौन है? ऑप्शन डी, लाइनस टॉरवाल्ड। नाम से ही पहले लोग बनाते थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, रूलर बार के लिए, उसको हाइड एंड हाइड करने के लिए किस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, सी सही है, सी सही जवाब है। पीसीआर किस प्रकार की डिवाइस है? बारकोड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है? बताइए पीसीआर किस टाइप की डिवाइस है? हाँ, सी। कितने लोग सी बोले हैं, हाथ उठाइए सी वाले। पीछा कोई नहीं बोला है। कौन सा ऑप्शन बोले हो, हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो?
और बाकी लोग किसके हैं? राइट आंसर होगा इनपुट डिवाइस। लिख लीजिएगा विचार क्या है, इनपुट डिवाइस होगा। अगर आप लोग सुबह में वीडियो देख लिए होंगे या लाइव क्लास अटेंड कर लिए होंगे तो बिल्कुल आगे आगे मत बोलिएगा। लड़कियों में है लोग। अरे क्वेश्चन का सेट जो मिलता है वही करता हूँ। अगला है आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट होगा कि इंफॉर्मेशन होगा, पहले ही डिसाइड कर लीजिए। इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किधर भी से जाने वाले हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिख लीजिएगा। पैसा बाजार डॉट कॉम क्या है? पैसा बाजार गेम वाला, पैसा बाजार डॉट कॉम। मुझे लगा इन्वेस्ट वाला कुछ है। का 200 अगला BIS का पूरा नाम, तीनों का सेम ही दे दिया क्या? वही होगा ही, तीनों का सेम दे दिया है। तो सुबह पढ़ा है और कोई नहीं नोटिस किया है। सुबह वाले पहले वाले बोले थे तो पी नेट सेवा कब आई थी? हिंट दिए हुए हैं, बताइए जल्दी से। 2002। राइट आंसर होगा आरटीजीएस। कब आया था? आरटीजीएस आया था 2004 में, और पहले आरटीजीएस आया बाद में नेफ्ट आया। तो राइट आंसर क्या होगा? हाँ तो लिख लीजिएगा नेफ्ट 2005 में और आरटीजीएस 2004। नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? आतिफ। नेफ्ट का पूरा नाम सुहेल। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला ये बताइए सीवीवी नंबर, देखिए ना टीम के पीछे होता है। पूछा है अमेरिकन सीवीवी नंबर जो होते हैं कितने डिजिट के होते हैं, 4, 3, 2 या 1? और सीवी का पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सीवीवी। कितने अंकों का होता है बताइए? इंडिया में कितना होता है? अक्षर के हिसाब से ये सी वी वी तीन ही है। और वही पूछा है अमेरिका कितने हैं? अलग अलग होते हैं क्या? कितने होते हैं बताओ? तो याद रखिएगा अमेरिका में एक ज्यादा है, 4 होते हैं। होते हैं देखिएगा अमेरिका में सीवीवी 4 होते हैं। सीवीवी का पूरा नाम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू।
WAP का पूरा नाम क्या होगा? नाम पढ़ेंगे, कई बार सिर्फ नाम पढ़ने से ही आंसर मिल जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और उससे कुछ मिलते जुलते भी फुल फॉर्म दिए गए हैं, लिख लीजिए चारों, चारों फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। चलिए, वेब ब्राउजर के जनक किसी का जरूरत है? WWW क्या है वो? वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पूछा गया वेब ब्राउजर, ऑप्शन ए, वेरी गुड, गलत है। अगर WWW का पूरा नाम बोलिए, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब से ही रिलेटेड है, और यहाँ पे भी वेब ब्राउजर की बात की गई है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। हो जाएगा टिम बर्नर्स ली इज द राइट आंसर। विंडसर हो जाएगा आपका, इंटरनेट के फादर हो जाएंगे, ऐसे ही देख लीजिएगा लैरी पेज भी है। AEPS में पी का मतलब क्या होता है? पी फॉर, जिसके लिए आप जीते पीते हैं, क्या होगा? पेमेंट। लिब्रे ऑफिस को किसने डेवलप, किसने डेवलप किया? बताइए कितनों सी से हाथ उठाइए, सी वाले, काफी लोग सी वाले हो गए, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है आपको। चलिए सही है, राइट आंसर होगा मार्कोस बोरिस, मार्को बोरिस होगा राइट आंसर, लिख लीजिएगा। हु डेवलप लिब्रे ऑफिस? पब्लिक भी नहीं है यार, पब्लिक तो कम ही, ठीक हुआ रोली का तभी तो, मैं क्या होता दिक्कत थी, तो रोली कोई दिक्कत थी ना, ठीक हुई, ठीक हो गई, पहले नहीं, पहले वो बल बीमारी बताई थी जो मुझे याद है, ठीक हो गया। पढ़ने में ठीक है, लेकिन तुम तीनों में वही ठीक भी आंसर देती है, तुम दोनों नहीं देते हो, लेकिन वो देती है, वो चुप रहती है कि क्यों नहीं चुप रहती है? हाँ, बस यही चुप रहती है, बाकी बोलती है बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कौन सा सोशल साइट इस्तेमाल किया जाता है? ये तो आप करते हैं, मैं आपकी राय नहीं पूछा, मैं दुनिया की पूछा। बहुत बढ़िया, सही जवाब, फेसबुक सबसे ज्यादा यूज करते हैं। पिन का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईमेल यूजर में डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने का काम एट द रेट करता है। पीपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? कैपेबिलिटी कर दे बी और सी। हाँ सी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीएफ का प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ का प्रोविडेंट फंड होता है, अब पीपीएफ का हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ईपीएफ का इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। क्या जिंदगी है, वाह, ये तो बहुत अगला क्वेश्चन, विगिल है, ऐप किससे संबंधित है? आप बता देंगे, पढ़ते ही बता देंगे। हाँ, 50-50 कर दे ए और बी,
ए और बी में। हाँ बी इज द राइट आंसर, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि रेलवे के लिए तो IRCTC है ना। राइट आंसर क्या होगा, ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर था, कंफ्यूज में है ही नहीं है। रेलवे के लिए IRCTC होगा, राइट आंसर होगा इलेक्शन कमीशन। हर बार थोड़ी हो, हम याद गए ऊंचा पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बस मौका दे रही है भाई, तो एक बार ले गया समझ में आ रहा है। तो है तुम बाल तुम नॉर्मल करवा लो, बहुत अच्छे लोग। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि सुकून भी मिलेगा गर्मी में, और मतलब कि नॉर्मल हल्का हल्का महसूस होगा। हाँ उतना भी चलेगा, लेकिन अगर आर्यन की तरह मतलब आर्यन के कटिंग में नहीं रखना है, मतलब इतना बराबर ओवरऑल मेरा देख लो, मेरा बस इतना ही, उसका उसका स्टील वाला है ना स्टील थोड़ा, वो गाड़ी चलाता है, वो किया जो फंस जाते होंगे मर जाते वाला तो एक नहीं हिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है, पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बहुत बढ़िया, सही जवाब। एक टेबल का आकार, खुद पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा, बस टू और पांच बता दीजिए आप, 50-50 करते हैं। तो मेरे आंसर जाएंगे आप लोग ना, ट्रू 50-50 कर देना, ट्रू। हाँ आप लोग किसे हैं, हाँ बेवकूफ हैं आप लोग, ट्रू होगा। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है, ट्रू होगा। एक टेबल का आकार उस टेबल के मौजूद टेक्स्ट के हिसाब से ही होता है, लिख के आके टेबल की साइज बढ़ रही है। यूसी ब्राउजर कहाँ का है बता दीजिए, आंसर एक ही ऑप्शन से बता दीजिए, चाइना इज द राइट आंसर। इंटरनेट पर नेटवीट का मतलब क्या होता है, देखो नेटवर्क का मतलब गुड बिहेवियर होता है, अब आप बता दीजिए क्या होगा, ट्रू और फॉल्स होगा। हाँ कितने कितने ट्रू वाले हाथ भाई, एक दो तीन चार पांच, राइट आंसर ट्रू होगा, लिख लीजिएगा। नेटवर्क का मतलब ही गुड बिहेवियर होता है, नेटवर्क का मतलब। अगला लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में कितनी भाषाएं होती है, बिना देखे बताएंगे, ऑप्शन दे दें, अच्छा ऑप्शन दिखा नहीं रहा हूँ, बता दीजिए आप, लेकिन दिख मत आप तुरंत देखे बता दीजिए। 30, 40, 45 और 50। बताइए, आप लोग बेवकूफ है, बताया गया था कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है कितनी होती है, वेरी गुड, गलत है। लैंग्वेज भाषाएं होती है 115, 140 भी सही, 40 भी सही बताइए, गलत नहीं है, 115 लैंग्वेज होते हैं इसमें लिब्रे ऑफिस में, लेकिन डेडिकेटेड लैंग्वेज कितने होते हैं, 40। यहाँ लैंग्वेज सिर्फ पूछा है ना, डेडिकेटेड नहीं पूछा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 115। अगर यहाँ पे डेडिकेटेड लैंग्वेज लिखा होता तो तब क्या होता, 40 होता। तो सही था, गलत नहीं था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 115, 50, 10, 115, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 115 होगा। ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, पूजा सिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, IFC का पूरा नाम, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस, कौन सा ऑप्शन, हाँ ए होगा, सिस्टम कोड होता है, हाँ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, सर्विस कोड नहीं होता है। जो कार्यक्रम आपको आसानी से समझ में आ जाए उसे क्या बोलेंगे, जानकारी, आइकॉन, वर्ड प्रोसेसिंग, यूजर फ्रेंडली। अरे यार, जो चीज आसानी से समझ में आ जाए वो यूजर फ्रेंडली बोलते हैं।
लिब्रे आप राइटर में हेडिंग टू लाने की शॉर्टकट की क्या होती है? नहीं करेंगे, आपसे बता दे रहा हूँ, H1, H2, H3, H4 गलत है, Ctrl+2 होगा। लिखवाए थे, तीन हेडिंग होती हैं, Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 लिखवाया हुआ है। राइटर में बाय डिफॉल्ट तीन हेडिंग होती है, तीनों की शॉर्टकट की Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3। अब नहीं किए तो हमारे का गलती है, Ctrl+2 हो जाएगा। बस आज के इतना ही, थैंक यू। 50 क्वेश्चन।